वसुदेव सुतम देव कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। उपद्रष्टा नुमत्ता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परम ज्योति चपयुक्तो देह शिष्मन पुरुष का शरीर के साथ संबंध रखने से उपदृष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमत्ता अपने को उसका भारण पोषण करने वाला मानने से भरता उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इन नाम से कहा जाता है यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। उपद्रष्टा नुमत्ता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरम यह पुरुष स्वरूप से नित्य है सब जगह पर पूर्ण है स्थिर है अचल है सदा रहने वाला है। गीता दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक ऐसा होता हुआ कि जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है अर्थात उनके साथ अपना संबंध बांधता है तब इसकी उपदृष्टा संज्ञा हो जाती है। यह हरेक कार्य के करने में सम्मति अनुमति देता है अतः इसका नाम अनुमंता है। यह एक व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर उसके साथ तदात्मय करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है शीत उष्ण आदि से उसका संरक्षण करता है अतः इसका नाम भर्ता हो जाता है। यह शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थितियों के आने से अपने को सुखी मानता है और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने से अपने को दुखी मानता है अतः इसकी भोक्ता संज्ञा हो जाती है। यह अपने को शरीर इंद्रिया मन बुद्धि तथा धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है अतः यह महेश्वर नाम से कहा जाता है। प्रमातैमेति चपयुक्तो देहश्रुष्पः पुरुष सर्वकृष्ट है परम आत्मा है इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से कहा गया है। यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है आगे इसी अध्याय के 21वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि यह शरीर में रहता हुआ भी ना करता है और ना लिप्त होता है। इस श्लोक में एक ही तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के संबंध से उपदृष्टा आदि पदों से संबोधित किया गया है इसलिए इन पृथक पृथक नामों से पुरुष के ही स्वरूप का वर्णन समझना चाहिए। वास्तव में उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है जैसे एक ही व्यक्ति देश काल वेश संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न पिता चाचा नाना भाई आदि के नामों से पुकारा जाता है ऐसे ही पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में एक ही है। वास्तव में पुरुष पर ही है पर अन्य के संबंध से यह उपदृष्टा अनुमत्ता आदि बन जाता है जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता पिता के संबंध से पुत्र पत्नी के संबंध से पति बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है
ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, ममता करने के लिए नहीं। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात समता संबंध रहित ही है। यहां उपदृष्टा अनुमंता आदि अनेक उपाधियां तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का ही वर्णन मुख्यतः है, अतः यहां आए उपदृष्टा अनुमंता ईश्वर आदि शब्द शब्द पुरुष के वाचक समझने चाहिए। 19वें श्लोक में 22वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके अब आगे के श्लोकों में उन दोनों के तत्व से जानने का फल बताते हैं। यह एक व्यति पुरुष प्रकृति ही चा गुणो सहा सर्वथा वर्तमानोपि नाशा भूयो विजयते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता है, वह भी फिर जन्म नहीं लेता। या एव व्यति नाशा भूयो विजयते। उस श्लोक में देह शिवन पुरुष पर पदोशे पुरुष को देहेशे पर अर्थात संबंध रहित कहा है, उसी को यहां एवं पद से कहते हैं कि जो साधक इस तरह पुरुष को देह से प्रकृति से पर अर्थात संबंध रहित जान लेता है तथा विकार कार्य कारण विषय आदि रूप से जो कुछ भी संसार दिखता है वह सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है, ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है, वह फिर वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होता। कारण की जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक यहाँ सर्वथा वर्तमानोपि पदों में निषिद्ध आचरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपने को देह के संबंध से रहित अनुभव करता है और गुणों के सहित प्रकृति को अपने से अलग अनुभव करता है, उसमें असत वस्तुओं की कामना पैदा हो ही नहीं सकती। कामना न होने से उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना असंभव है, क्योंकि निषिद्ध आचरण के होने में कामना ही हेतु है। गीता 3 अध्याय के 37वां श्लोक भगवान यह साधक को अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी प्रकार जान ले कि स्वरूप में वस्तु कोई भी क्रिया नहीं है, अतः वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है और कर्ता न होने के कारण वह भोक्ता भी नहीं होता। साधक जब अपने आप को अकर्ता जान लेता है तब उसका कर्ता पर अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है और उसमें क्रिया की फलाशक्ति भी नहीं रहती, फिर भी उसके द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं स्वतः होती रहती है, गुणातीत होने के कारण वह पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होता। पूर्व श्लोक में आए देहश्विद पुरुष पर की व्याख्या इस श्लोक को करते हैं, जिसका विवेक जागृत हो गया है अर्थात देहश्विद पुरुष पर यह अनुभव आ गया है कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त ही है, पर गुणों के संग वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता है। इसी अध्याय के 20वां श्लोक गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं है। इसी अध्याय का 19वां श्लोक 20वां श्लोक सर्वथा वर्तमानोपि पदों में आए अपि का तात्पर्य है कि असक्त मनुष्य की तरह सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है। गीता 3 अध्याय के 25वां श्लोक दशा भूयो विजयते। जैसे छात से
निकला हुआ मक्खन पुन छाछ में मिलकर दही दही बनता। ऐसे भी प्रकृति जय गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बनता, उसकी ब्रह्मा से साधमरता हो जाती है। था जैसे ब्रह्मा का जन्म मरण नहीं होता, ऐसे ही उसका भी जन्म मरण नहीं होता है। छठे अध्याय के 21वें श्लोक में आया है सर्वथा वर्तनोपि सा योगी वही वर्त है, और यहाँ आया सर्वथा वर्तनोपि दशा भयो विजयते। छठे अध्याय में आए सा योगी वही वर्त पदों में प्रेम की प्राप्ति है, और यहाँ आए दशा भयो विजयते पदों में बोध की प्राप्ति है। प्रेम और बोध दोनों में ही गुणों का संग नहीं रहता, दोनों में अंतर यह है कि बोध में तो जन्म मरण से मुक्ति होती है, पर प्रेम में मुक्ति के साथ साथ भगवान से अभिन्नता होती है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया है। अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का और भी कोई उपाय है, क्या जन्म मरण से रहित होने का और भी कोई उपाय है। इस पर भगवान आगे के दो श्लोकों में चार साधन बताते हैं, जीव से चार साधन बताते हैं प्रभु, जीव से चार साधन बताते हैं। सनातन धर्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार कार्य आरंभ हो चुका है, सनातन धर्म ज्ञान का प्रचार प्रसार आरंभ हो चुका है। आप सभी साथ दें, साथ आए, गठन हो गया है। वीरभद्र रुद्र सेना का गठन हो गया है। सनातन स्वाभिमान क्रांति, राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति का विगुल बन चुका है। संपर्क करें जुड़े संगठन से और जोड़े संगठन से 9811-799-477 जुड़े संगठन से 9811-799-477 ये संगठन का संपर्क नंबर है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर आपके हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, कृपया हमारा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इनकी सुरक्षा रक्षा, इनकी रक्षा सुरक्षा यही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, इनकी सेवा ही यही लक्ष्य है। ओ ओ